सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन और हम उनके पार्टी कार्यालय पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जन्मदिन है और जिस तरीके से अब एक नया संगठन में आप शामिल होंगे, आगे की क्या रणनीति, इसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज से हम लोग 17 लोकसभा सीटों का हम संगठन की समीक्षा शुरू करने हैं। 20 तारीख तक 80 लोकसभा सीट की समीक्षा करेंगे। जो हम लोगों ने लक्ष्य आज पहले भी हम लोग 18 जुलाई को ही संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम फिर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ काम पे लगने जा रहे हैं। पूर्वांचल में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और इसके पहले भी जब आप इसके हिस्सा रहे तो बड़ी जीत आपने दिलाया था। तो क्या पूर्वांचल को लेकर, खासतौर पर अगर हम बात करें गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़, इन सब सीटों पर किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? देखिए, आप धैर्य रखिए, 100% आपको लोकसभा का जब चुनाव होगा तो देश का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश को लेके होता है। बाई इलेक्शन इधर उधर होते रहते हैं, उससे बहुत परेशानी नहीं है। लोकसभा का चुनाव जब होगा तब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और उस चुनाव में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस जीत से अगर हम बात करें, विपक्ष काफी उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज 2% बढ़ी हुई है। तो ये माना जाए कि आपके आने से जो आपकी बिरादरी या फिर हम बात करें आपके जो प्रभाव है, उसकी वजह से ये परसेंटेज बढ़े हैं? नहीं, देखिए, सभी लोगों ने मिलकर के मेहनत किया, जो जनादेश मिला हम सब लोग उसका स्वागत करें। जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग समीक्षा करके जो बातें निकल के आई हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से, उस पर हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा आपकी हुई? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं। हम धरातल पे हैं, बिहार से लेकर यूपी तक हम हाथ पांव मार रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जोड़ा जाए। सीटों को लेकर कोई चर्चा, कितनी सीट इस बार लोकसभा? सीट का कोई सवाल नहीं, सीट उठकर झगड़ा हम कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि हमको न दिल्ली में सरकार बनानी नहीं है, तो झगड़ा किस बात का, उपस्थिति खाली करानी है। बिल्कुल शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका आज जन्मदिन है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब अपने संगठन को मजबूत करेंगे, साथ ही उन पूर्वांचल की जो सीटें हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का काम करेंगी। हालांकि बाई इलेक्शन में जरूर कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन अब उन कमियों को दूर किया जाएगा और जो एक लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है 80 में 80, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से जुटते हुए नजर आएंगे। वीडियो लिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।